आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। मधुपुर थाना में नए इंस्पेक्टर इंचार्ज सह थाना प्रभारी के रूप में मनोज कुमार मल्लिक ने किया पदभार ग्रहण। उन्होंने इंस्पेक्टर इंचार्ज सत्येंद्र प्रसाद से पदभार लिया। बता दें कि मनोज कुमार मल्लिक इसके पूर्व पालोजोरी थाने में पदस्थापित थे। वहीं इंस्पेक्टर इंचार्ज सत्येंद्र प्रसाद का तबादला सदर अंचल देवघर किया गया है। मौके पर श्री मल्लिक ने कहा कि क्षेत्र में अपराध नियंत्रण उनकी पहली प्राथमिकता होगी। महिला हिंसा, घरेलू हिंसा, बाल विवाह के प्रति लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हर तबके के लोगों को न्याय मिलेगा और पुलिस पब्लिक के बीच सामंजस्य स्थापित कर कार्य किया जाएगा। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। पुलिस की प्राथमिकता सब चीज है, फर्स्ट पॉइंट प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, जो पुलिस की बेसिक चीज है, अपराध को रोकना, और अगर हो गया तो उसका पता लगना, पहला चीज। दूसरा चीज, पैसा और पैरवी के बदौलत अगर किसी गरीब दबे कुचले का आवाज कुचला जाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि वो जो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस, हमारे अधिकांश आदमी अशिक्षित हैं, रूरल हैं, कमजोर हैं, दबे हुए हैं, समाज में जो आदमी है उसको पैसे और पैरवी के बदौलत सबकी बात सुनी जाए। एवरीवन इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एवरीवन हैज टू बी लिसनिंग, दूसरी प्राथमिकता। तीसरी प्राथमिकता, नारी सशक्तिकरण, बेटर हाफ ऑफ द सोसाइटी। वी कैलकुलेट 50% फीमेल, 50% मेल। औरतें जिनके साथ अत्याचार होता है, महिला अत्याचार होता है, मैंने 2000 लड़कियों को पालाजोरी में, चित्रा में, खागा में, सारथ में पढ़ाया है। यहाँ भी सिचुएशन नॉर्मल होगा सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में। दे शुड नो दे आर राइट। आधा से ज्यादा अत्याचार इसलिए होता है क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि उनके अधिकार क्या है। मैं उनको अपने अधिकार से अवगत कराना चाहूँगा। ये IPC में ये आज कानूनी अधिकार है, ये बाल विवाह अधिनियम है, ये आपका डोरी एक्ट है, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये पोक्सो एक्ट है, सारा है। 376 क्या है, 354 क्या है, 498A क्या है, गवर्नमेंट क्या स्कीम आपके लिए चला रही है, महिला बोगी है, मोबाइल का वितरण है, साइकिल का वितरण है, बहुत सारे चीज ऐसे हैं सर जिससे महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। और महिलाएं जब अपने कानून को, अपने अधिकार को जानेंगी और सशक्त हो जाएंगी तो नेचुरली हमारा फीमेल क्राइम घटेगा।